जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो। ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3.30 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो जो नाम है और जो आरोपी गण है जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो। शासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस की कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे, और जो जिस पे हमें शक है वो FIR में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ने ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जारी थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। BJP को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखें? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। इंसान के जाने के बाद तो उसके बाद कोई फायदा नहीं रहता ना जी। आज सपोर्ट में आए हैं, अच्छी बात है। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, क्या सुरक्षा आम आदमी की? जब VIP आदमी ही सुरक्षित नहीं है, मेरे पिताजी कोई आम आदमी तो थे नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश का नेतृत्व किया उन्होंने। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।